भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और यह है, उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माताजी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका 39 बढ़ गया, 7.60 हो गया। और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिरजू मुर्शिद जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसने बोला कि इसमें लाखों रुपये लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो बघेल साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें, मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर में, और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे, अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो 39 डाउन हो गया, और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, 39-0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है, और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई, और आपके सामने अब 90-91 चल रहा है अम्मा का, और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। अब अगला जो मंत्र है, जिससे हमने प्रथम में ही, और महर्षि दयानंद जी सर्वाधिक किसी मंत्र को यदि बोलते हैं और सारे अपने ग्रंथों में यदि किसी का अत्यधिक प्रयोग किए हैं, तो वो है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। कि हे सविता देव, हे सृष्टि के जनक, हमारे अंदर जितने भी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्विचार, दुर्भाव हैं, दुष्कर्म हैं, इन सबको आप शीघ्र अति शीघ्र दूर करें। और जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो हमारे निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान है, सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, उसको हमको प्रदान कीजिए। ऐसे यह जो मंत्र का भाव है, इसे हम करेंगे। आइए अगली आहुति समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। फिर अगला जो मंत्र, जो हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, उसके जो प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र से हम ये आहुति देव यज्ञ में हम समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपनी जो गति है, अपनी जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन किए बिना निरंतर वो गति कर रहे हैं, जैसे यह धरती माँ है वसुंधरा निरंतर गति कर रही है, एक क्षण भी जैसे ये विश्राम नहीं लेती है, वैसे ही स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्या चंद मसाविवा। जैसे सूर्य चंद्र निरंतर गतिमान है, गतिशील है, वैसे ही हम भी निरंतर गतिशील बने, हम अग्नि की तरह निरंतर हम गतिमान बने। तो ऐसी भाव के साथ अग्नि मंत्र से हम आइए अग्नि को समर्पित करेंगे। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो योध्यस्मच्चुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये 16 आहुति जो महर्षि दयानंद जी ने बताए कि कम से कम यदि किसी को हवन करना हो कम से कम समय में, तो उनके लिए ये विधान 16 आहुति का। और जिनको, जैसे मैंने प्राक में ही कहा, पूर्व में ही कहा, कि यदि किसी को गायत्री मंत्र
पता नहीं है तो वो इसी गायत्री मंत्र से ही, महा मंत्र से ही अग्निया धान करे, उसी से ही समिधा धान करे और उसी से ही जो 16 आहुति बताई गई है सामग्री के साथ उसे समर्पित करें। तो आइए हम एक आहुति गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये हमने यज्ञ संपन्न किए, तो इसमें यदि हम जब एक गति के साथ लय के साथ करते हैं तो केवल 15 मिनट या 10 मिनट इसका समय है, इसका विधान है। और जिनके पास जैसे भी समय मिले प्रातःकाल सायंकाल ये अवश्य यज्ञ को करें। और जब इस यज्ञ को हम योग के साथ करते हैं, जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो उसका एक अभूतपूर्व हमको लाभ मिलता है। जब हम योग करते हैं, यदि किसी बड़े रोग में हमको महीना दो महीना लग जाता है और उसी रोग को ठीक करने के लिए जब हम यज्ञ करके उस वातावरण में योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनहेल एक्सहेल डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका परिणाम हमको मिला, उसका देखने को मिला कि वह जो लाभ है उस रोग में वह हमको 15-20 दिन में मिला। तो इसलिए इस यज्ञ की महिमा सर्वाधिक यदि कहीं शास्त्रों में गाई गई है तो यज्ञ की महिमा गाई गई है। करीब 5000 ऐसे मंत्र है जो यज्ञ परक है, अग्नि परक है। तो ऐसे जो यज्ञ जिसको श्रेष्ठतम यज्ञ कहा गया है, जिसको सभी देवों का मुख कहा गया है और जिसको संपूर्ण विश्व का केंद्र कहा गया है, उसकी नाभि कहा गया है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि कहा गया है। तो जो संपूर्ण विश्व का केंद्र हो, जैसे हमारे शरीर है, शरीर में हमारी नाभि है, इस नाभि से जैसे हम माँ के गर्भ में जब हम पलते हैं तो उस नाभि के माध्यम से हमको संपूर्ण आहार पोषण मिलता है, उसी के माध्यम से हम अपना इस जो शरीर है उसको डेवलपमेंट कर पाते हैं, उसको हम बढ़ा पाते हैं। तो वैसे ही इस यज्ञ के माध्यम से यह जो संपूर्ण विश्व है, इस यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण विश्व पूर्ण रूप से पल्लवित होते हैं, पूर्ण रूप से ये सुगंधित चारों ओर हरियाली जो वातावरण है सुगंधमय बनता है, जो जहरीली गैसें हैं, विषाक्त गैसें हैं, जो टॉक्सिक गैसेज हैं, पैथोजन्स हैं, इन सबको दूर करने का और सात्विक वातावरण बनाने का, हमारे लिए प्रकृति को हमारे लिए अनुकूल बनाने का, जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं नाना प्रकार के जो रोग, आज सिर्फ एक जो वृद्ध हैं उन लोगों को ही रोग नहीं, बल्कि जो अभी जन्म ले रहे हैं उनको भी, जैसे हम दिल्ली में देखें, दिल्ली जैसे शहर में बच्चे जन्म लेते ही करीब 20 सिगरेट के भांति धुएं को लेता है, आप देख लीजिए। और एक रिसर्च भी इस पर किए थे कि जहाँ जहाँ अत्यधिक पॉल्यूशन है, जो शहर में अधिक प्रदूषण है, तो उसका एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में पाया गया कि जहाँ अत्यधिक धुआं है तो उस धुएं में रहने वाले लोगों की औसत आयु क्या है। तो दिल्ली का औसत आयु जो कमी पाई गई उसमें करीब 10 वर्ष की औसत आयु कमी पाई गई उसमें, अर्थात आज हमारी जो आयु है वो 70-80 तक हो गई है। जो हम वेद मंत्रों में कहते हैं कि जीवे में शरदः शतम श्रीनुयाम शरदः शतम, तो ये जो हम शतायु इस यज्ञ के माध्यम से जो मांगते हैं वो कब चरितार्थ होगा, जब हम हवन करेंगे, जो यह प्रार्थना करते हैं वो कब चरितार्थ होगा, जब हम अग्निहोत्र करेंगे।
तो आज दिनों दिन हमारी जो आयु कम होती जा रही है इस पॉल्यूशन के कारण से, तो उस पॉल्यूशन को भी दूर करने का काम, उसको संतुलन करने का काम जो जहरीली गैसें हैं, SO2 है, NO2 है, CFC है, CO है, जो हमारे इस देह के लिए, हमारे तन के लिए जो घातक है, ऐसे जो गैसें हैं उनको भी ये नियंत्रण करने का काम यह यज्ञ करता है। जो प्राकृतिक असंतुलन आ जाता है उनको भी ये सम्यक बनाने का काम यज्ञ करता है। तो इसलिए इस यज्ञ को एक नदी फेन की भांति कहा गया है कि इदम हवीर नदी फेनम इव आवहत। यह जो हवि हमने डाली इस अग्नि में समर्पित की, ये हवि वैसे ही जैसे नदी में फेन देखते हैं, झाग देखते हैं, जैसे नदी का जल किनारे में कोई झाग हो, फेन हो, उसको अपने साथ बहा ले जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में किसी प्रकार की यदि दुरितानी जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, किसी प्रकार की यदि वातावरण में कोई बीमारियां हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस इत्यादि हैं, तो उन सबको दूर करने का काम यह जो हमने हवि प्रदान की, और वो हवि सूक्ष्म होकर वायुभूत होकर इस वातावरण मिलकर हमको शुद्ध प्राण वायु प्रदान करती है। तो इसलिए हम इस हवि को इस अग्नि में समर्पित करते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं, यदि किसी के पास सामग्री उपलब्ध ना हो तो पतंजलि के माध्यम से अलग अलग सामग्री का भी हम उपलब्ध कराते हैं। साथ में समिधा भी है, समिधा में हम अलग अलग समिधा चयन करते हैं, इसमें रोगों के अनुसार समिधाओं का चयन भी है। और सर्व उपलब्ध है, यदि किसी के पास गाय है तो इस बहाने गायों की सेवा, क्योंकि आज समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है, ऐसा एक विचार है कि भाई जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो उनका उपयोग है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो फिर उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। तो हम इस जो गोबर है उस गोबर से उपले बनाकर, समिधा बनाकर हम हवन के माध्यम से आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। और इस समिधा के माध्यम से हम यदि अधिक गायें हैं तो उसके माध्यम से हम पास वाले आसपास लोगों को हम ये समिधा बेचकर हम अपना आमदनी धन भी कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साधन ये यज्ञ के जो उपयोगी काउडंक है वो बहुत बड़ा साधन है। तो अब सामने आप देख रहे हैं अग्नि बुझने लग गई है, तो इसमें हम हवन करने के पश्चात जो सुगंधित पदार्थ है या फिर जो सामग्री अलग अलग हमने रोगों के लिए जो बनाई है या जो भी हमने सामान्य हवन सामग्री ली है, उस सामान्य हवन सामग्री को हम इस अग्नि जो मंद अग्नि, पांच प्रकार की अग्नि बताई गई है, एक तो है रुद्र अग्नि, जब हम इसमें अग्नियां धान करते तो उसमें क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, तो रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला, तो वैसे ही यह रुलाने वाली अग्नि होती है रुद्र, जब धुआं उसमें उत्पन्न होता है। फिर जब वो थोड़ी सी उद्बुद्ध हो जाती है तो उसको बोलते हैं वरुण अग्नि, और उसको जब हम और थोड़ी सी उसमें घी और डालते हैं, जब वो लपटे लेती हुई ऊपर चढ़ती है तो उसको कहा गया इंद्र अग्नि, जिसमें हम आहुति समर्पित करते हैं, जिसमें हम घी अन्य स्विष्टकृत समर्पित करते हैं। और जब वह अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, जब हम यज्ञ समापन की ओर बढ़ते हैं तो उसको कहा गया मित्र अग्नि, और जब पूर्ण रूप से अग्नि शांत हो जाती है, जब अंगारे के रूप में वो आ जाती, प्रसुप्त अवस्था में आ जाती, तो उसको कहा गया ब्रह्म अग्नि। तो उस अग्नि में हम ध्वनि देते हैं जो अलग अलग सामग्री रोगों के अनुसार हमने बनाई रखी या बनाते हैं या कोई भी सुगंध पदार्थ है, तो इस सुगंध पदार्थ को हम इस जो ब्रह्म अग्नि है इसमें डालते हैं, जिससे कि जो मन मन इसकी जो ध्वनि है, इसका जो धुआं है वो निकले और सुगंध इस वातावरण में फैले। क्योंकि जब हम
हवन करते हैं तो वो अत्यधिक सूक्ष्म भूत हो जाते हैं, वो अग्नि, और वो दूर दूर तक फैल जाती है। तो इसलिए हम जब चिकित्सा की दृष्टि से बात करते हैं तो चिकित्सा की दृष्टि से वो हमारे लिए उतना प्रत्यक्ष, जो हम लाभ चाहते हैं तो उतना प्रभावशाली हमको दिखाई नहीं देती। तो इसलिए शास्त्रों में, जो खासकर आयुर्वेद ग्रंथों में, चरक सुश्रुत में ये बात कही गई है बार बार कि धुनी दे, अलग अलग जो सावन सामग्री, अलग अलग जो धुनी पदार्थ है, सुगंध पदार्थ है उसकी। तो जैसे ये मेरे पास आप देख रहे हैं गुग्गल है, इस गुग्गल को हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि इसको कहा गया है, हमारे शरीर के लिए एक तो सुगंध कारक भी है, एक रोगनाशक भी है। तो इस प्रकार से इसको अग्नि में छोड़ दें और उसके बाद फिर हम प्राणायाम करें। हम जितना प्राणायाम इस सुगंधमय वातावरण में करेंगे उतने ही हमारे जो रोग है, चाहे वह मानसिक रोग है या शारीरिक रोग, उसमें ज़बरदस्त लाभ मिलता है। जैसे योग है, योग से सर्वप्रथम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से जैसे हमारे चित्त अशुभ विचार है, गलत विचार है, वो दूर हो जाता है और हमारी जो सात्विक विचार वो बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे भी वैसे ही सर्वप्रथम हमारे जो मानसिक उन्माद है, किसी प्रकार के क्लेश, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव है, माइग्रेन पेन है, ये सारे सर्वप्रथम दूर होता है। तो इसलिए इन दोनों को एक तुलनात्मक दृष्टि से दोनों को एक साथ करने का अलग अलग कई विद्वानों ने विधान किया कि भाई जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो हम अत्यधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा को धारण करते हैं, और ये प्राण ऊर्जा हम जितना धारण करते हैं उतने ही हमारे शरीर स्वस्थ होता है, उतने ही हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज है, हमारे शरीर में जो सात्विकता है उतने ही अत्यधिक आती जाती है। तो इस प्रकार से हम अंतिम में हवन करने के पश्चात हम थोड़ी सी जो सामग्री बची है उसको हम डाल लें, या सुगंध पदार्थ है उसको डाल लें, और उसके बाद हम प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। फिर इस प्रकार से हमने कई ऐसे प्रयोग किए और अलग अलग इसके छोटे छोटे रूप में अलग अलग जगहों में चल रहे हैं। तो जैसे मैं मुंबई के मीरा रोड की एक चर्चा करूं, जिसमें एक क्रिश्चियन भाई जो पहले नेवी में थे, और नेवी में थे और उसके साथ साथ उनकी आदत ऐसी बन गई सिगरेट पीने की, वो प्रतिदिन करीब 10 या 15 सिगरेट प्रतिदिन पीता था। और चूँकि नेवी में तो अत्यधिक खड़े रहना पड़ता है, तो खड़े रहने के कारण से और सिगरेट पीने के कारण से उनके जो शरीर में है उसमें अलग अलग नाना प्रकार की फुंसियाँ पैदा हो गई, उनके पैर में स्किन डिसीज हो गई जिसको सोरायसिस बोलते हैं। तो सोरायसिस इतना बढ़ गया रोग कि उनको फिर समस्या ये आ गई कि उनको नौकरी छोड़ने का नौबत आ गया, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी इलाज के लिए। जब इलाज कराए तो फिर उसका उनको सही लाभ नहीं मिला, तो कहीं से उनको पता चला कि भाई इस वैदिक यज्ञ से कम समय में और कम लागत में बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, कैंसर जैसे रोग, डिप्रेशन, तनाव, मिर्गी जैसे रोग, शरीर में किसी प्रकार की स्किन जैसे, जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं, जिसको जेनेटिक रोग कहते हैं, ऐसे रोग भी इस दैवीय चिकित्सा अग्निहोत्र से दूर हो जाता है। तो ऐसे सुनकर वो उस जगह में पहुँचे और प्रतिदिन वो ऐसे मन से धुनी जो उत्पन्न हो रही वहाँ बैठकर वो प्राणायाम करने लगे। प्राणायाम वो करीब 15 से 20 दिन किए, और उस 15 से 20 दिन जो प्राणायाम किए तो उनके जो पैर में सोरायसिस रोग हो गया था वो धीरे धीरे उसमें कमी आती गई, और करीब 2 महीना के पश्चात जो उन्होंने बाहर अलग हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर उन्होंने चिकित्सा ली, लेकिन उसमें कोई एलोपैथी में जहाँ उनकी इलाज नहीं हो पाई,
उस इलाज को साकार करने का काम ये हवन ने किया और तब से उनकी निष्ठा ऐसे बनी कि वो स्वयं तो उस यज्ञ में प्रतिदिन आया, उसके साथ साथ अपनी बेटी को, अपने पुत्र को, अपने पिताजी जिनको पैरालिसिस हो गया था, उस पैरालिसिस को भी उन्होंने, इस यज्ञ ने करीब 5 महीना में उसको भी ठीक कर दिया गया। और इसके साथ अपनी पत्नी को भी प्रतिदिन उस यज्ञ में लाते गए और इस प्रकार से एक पूरा परिवार ही यज्ञमय बन गया। और इसके साथ साथ फिर उनकी आस्था इतनी बन गई, ईसाई धर्म से वो फिर इस धर्म में आ गए जिसको हम वैदिक, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं। तो साथ में जनेऊ संस्कार भी कर लिए और इस प्रकार से अपना जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से यज्ञमय बना लिया और आज एक निष्ठा के साथ स्वयं तो यज्ञ करते ही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा जो परिणाम उनको देखने को मिला तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लाभ है, इस यज्ञ के माध्यम से एक परिणाम है। वैसे ही अलग अलग जो कैंसर जैसे रोग हैं, जो डायबिटीज जैसे रोग हैं, एक नर्स थी, वैसे ही एक दिल्ली में एक भाई, तो अलग अलग रोगों को हमने इस यज्ञ के माध्यम से ठीक किए। और यज्ञ सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, यज्ञ सिर्फ एक कर्मकांड की पद्धति नहीं, बल्कि ये वातावरण शुद्धि का कारण भी है, ये वृष्टि का कारण है, ये कृषि का कारण। इसीलिए तो कहा गया कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, कृषि चमे यज्ञ न कल्पताम, पृथ्वी चमे यज्ञ न कल्पताम। तो अलग अलग इसकी जो पहलुए हैं, इसकी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इस सेक्टर को हम इस यज्ञ के माध्यम से जाने सुने। और यह और आज का यह जो यज्ञ सत्र जिसमें पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार से अपनी जो ऋषि परंपरा, यज्ञ परंपरा, उसको सारे लोग सिर्फ हम ही अपने पास ना रखें, बल्कि हम इस ज्ञान को, इसकी जो अलग अलग पहलू हैं, इनकी जो वैज्ञानिकता है, उनको हम लोगों तक ले जाएं, उनको हम प्रत्येक के जीवन में आधान कर पाए। तो इस संकल्प को लेकर हमको यह मौका दिए पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी आपके साथ जो जुड़े हुए साधक गण हैं, जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के सभी जो योग साधक के साथ, अब तो यज्ञ साधक भी आप सभी बन रहे हैं, कई बन चुके हैं, तो आप सभी को पुनः मेरा नमन प्रणाम। ओम। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पासा पैरालाइज हो गया था, मेरा लड़का ही यहाँ पे ले आया, तो हम उस समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं पढ़ सकता, बात नहीं बोलता, नींद नहीं आता था, तो हम इधर उधर घूमता था, गुरु जी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरु जी हमको, हम गुरु जी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरु जी क्या करेगा, आपकी है इसमें होगा, गुरु जी बोले जरूर होगा, हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो ये हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत बोकार मिला, हम नींद हो न सकता, नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था, कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था, तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें,
मेडिसिन ये मेडिसिन से वो मेडिसिन अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी, उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है वो नाक से सांस भी ले रही है, अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था, खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।